पब्लिक टीवी आपकी आवाज। थाना कुंदरगी क्षेत्र में एक महिला ने 27 मई को कुंदरगी थाने में अपने पति जेठ और नंदोई के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। तो वही पीड़ित महिला ने कुंदरगी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई न करने की बात कही है, जिसको लेकर महिला ने आज मुरादाबाद कलेक्टर पहुंची और SP देहात उदय शंकर सिंह से मिली और न्याय की गुहार लगाई। साथ ही महिला अपने परिवार के साथ स्लोगन के बैनर लेकर मुरादाबाद पहुंची, जिसमें लिखा था, थाना कुंदरगी हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो। इस प्रकार से महिला ने न्याय मांगने की कोशिश की और महिला ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। जब मीडिया में महिला ने अपनी घटना का जिक्र किया तो मीडिया ने उसकी बात को कैमरे में कैद कर लिया और इसका जवाब जब SP देहात उदय शंकर सिंह से मांगा तो उन्होंने बताया कि उक्त महिला ने अपने पति और जेठ नंदोई पर बलात्कार का मुकदमा थाना कुंदरकी में दर्ज कराया है, जिसपे जांच चल रही है और उसके पति ने भी फैमिली कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया हुआ है, जहां उसकी पैरवी चल रही है और महिला का मेडिकल भी हो चुका है, लेकिन कुछ तथ्य अभी नहीं आए हैं। इनके आधार पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नंदोई में और जेठ ने बलात्कार किया, गलत काम किए, गलत सोचा। किसके साथ? आपके साथ हुई? मेरे साथ। अच्छा, कब की घटना आई? लगभग 1 महीना हो गया ये। अच्छा, यहाँ पर किससे मिलने आए? SSP से। पुलिस ने, आपने कोई लिखित शिकायत दी थी? कोई शिकायत नहीं लिखी जा रही। कौन से थाने का मामला है? तो आज यहाँ पे किससे मिलने आए? SSP से। कुंदरकी पर 27 अप्रैल को एक अभियोग पंजीकृत किया गया, धारा 376, 504, 506 APC, जिसमें एक महिला ने अपने पति नंदोई और जेठ के विरुद्ध बलात्कार के अभियोग पंजीकृत करने व उनको गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में पंजीकृत कराया गया। पुलिस के द्वारा उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। अभी मेडिकल परीक्षण की कुछ कार्यवाहियां शेष हैं, आगे की साक्ष्य संकलन की कार्यवाही जारी है और इसमें शीघ्र ही अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। क्या पूरी प्रथम जानकारी पर इसमें प्रकाश में आया कि उक्त महिला ने अपने पति से प्रेम विवाह किया था, जिसका शुरुआती दौर में परिवारजनों द्वारा विरोध किया गया। तदुपरांत इनकी शादी हुई और उसके बाद पति पत्नी के रूप में यह अपने जेठ के कमरे में घर से परिवार से अलग रह रहे थे और इसमें पति पक्ष द्वारा भी कोई परिवाद कोर्ट में दाखिल किया गया है। समस्त तथ्यों की गहराई से छानबीन की जा रही है और छानबीन के उपरांत तथ्यों के आधार पर इसमें प्रभावी वैधानिक कार्रवाई अमल में